And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that, I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. कोई बहाना नहीं चलेगा, आइन पर अमल दरामद करना होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें इस पर अमल करना होगा, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये किसी की चॉइस की बात नहीं बल्कि आइन की बात है। The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the constitution. बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है, हम उनको सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस का अकलियतों के हकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कहते हैं अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हकूक हासिल हैं और आइन का तहफ्फुज हमारे बुनियादी फराइज में शामिल है। अदालतों के फैसले की अखलाकी अथॉरिटी होती है, अदालती फैसला चैलेंज ना हो तो ये हतमी फैसला बन जाता है। जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कल 4,200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4,200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं, पीडीएम हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है, ये लोग आइन तोड़ने और अदालती फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कल मुल्क में 4200 मकामात पर लोग बाहर निकले, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं आइन की हिफाजत करने के लिए निकले हैं। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है, मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहां सबके लिए यकसां कानून हो। इमरान खान की कैनेडियन अपोजिशन लीडर पैट्रिक ब्राउन से गुफ्तगू, चेयरमैन पीटीआई ने कहा हुक्मरान इत्तेहाद से इंतखाबात से खौफजदा हैं, इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए आइन शिकनी कर रहे हैं। का आइंदा हफ्ते से जलसों का ऐलान, जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम बैठक, लाहौर के टिकट होल्डर्स शरीक हुए, इमरान खान की तमाम टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला है, आना तो अल्लाह की तरफ से है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ताजपोशी के बड़े फायदे हैं। ज़्यादा टाइम आप देखें इसका कहाँ है, नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन है इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के खिलाफ कहा। जो पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत है घुस बैठी है, मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि उसकी टेन्योर भी ख़त्म हो गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है, पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुक्मरान अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम अरबे इस्तेमाल की लिया। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पांव तक झूठा मक्कार और मुस्लिम खुश आदमी। बात बददुआओं तक आ गई, शहबाज शरीफ की इमरान खान को दुहाइयां, लंदन में गुफ्तगू के दौरान कहा इमरान खान मोहसिन कश आदमी है, जरूर अल्लाह ताला की पकड़ होगी, पीटीआई हुकूमत का मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था।
सिंध में ज़िमनी इंतखाब के बाद नतायज का सिलसिला जारी। कई पोलिंग स्टेशन से मुकम्मल नतायज बोल न्यूज़ को मौसूल। सखर, दादू और जूही में पीपल्स पार्टी आगे, कराची में पीपी पहले, पीटीआई दूसरे और जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर, हैदराबाद में तहरीके इंसाफ को बरतरी। आर्मी चीफ से अफगान वजीर खारजा की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरतेहाल, बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए तावुन बढ़ाना जरूरी है। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की हिमायत का सराहा, कहा इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से चीनी वजीर खारजा की भी मुलाकात, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के अज़्म का इयादा किया। सिपा सालार ने बरादर मुमालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर दिया। चीनी वजीर खारजा का सी पैक पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो से अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात। पाकिस्तानी वजीर खारजा कहते हैं, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की मेज़बानी करना एजाज़ है। सैफ अली की मुज़ाकरात की सदारत करना एजाज़ की बात है। मुज़ाकरात में सियासी उमूर, इंसदादे दहशतगर्दी, तिजारत और रवाबित पर नतीजा खेज गुफ्तगु हुई। दोनों ममालिक तामीरी ताबुन के लिए पुरुमीद हैं। मजलूम कश्मीरी तालिब इल्म ज़िया मुस्ताफ़ी का मावराए अदालत कत्ल, भारतीय फोर्सेज ने 23 जनवरी 2003 को LOC पर गिरफ्तार किया था, 18 साल बाद 2021 में शहीद कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त ज़िया मुस्ताफ़ी को उम्र 15 बरस थी। दहशतगर्द जाहिर करके 6 जाली मुकदमात दायर किए। ज़िया की मैयत का घर वालों को आज भी इंतज़ार है। मुल्क में महंगाई उरूज पर, पिशावर में 20 किलो आटा 300 रुपये महंगा, 3150 का हो गया। फाइन आटा भी 300 रुपये इजाफे के साथ 3500 का हो गया। कोयटा में आटा और चीनी दोनों नायाब, 50 किलो आटे की कीमत 7500 रुपये हो गई। पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी, KP फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया। PIA का तैयारा खौफनाक हादसे से बच गया, 3200 फुट की बुलंदी पर तैयारे का शीशा टूट गया। कप्तान ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए जहाज का रुख वापस कराची की तरफ मोड़ लिया। परवाज 743 कराची से मदीना जा रही थी। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 27वां रोज, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग ना मिल सका। अदलिया से उम्मीदें, दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। अमरीकी रियासत टेक्सस के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी। डैलस में पुलिस ने हमला आवर को हलाक कर दिया। गवर्नर ने वाकये को नाकाबिले बयान सानहा करार दे दिया। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा, फसादात में 60 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी इंतजामिया ने शहरियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया। हालात कंट्रोल करने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के एहलकार तैनात। Is down at the leg side, has a chance. Five. Sweet shot, shout. Cut in the air and taken. There's a man out there, takes the catch. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी मैच, 300 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 5 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 4-0 की बढ़तरी हासिल है। व्हाइट वॉश के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है।
कराची में आइंदा 3 रोज तक सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, दर्जे हरारत 38 से भी तजावुज कर सकता है। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। केपी कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में धुआंधार बारिश। मालम जब्बा, सैदू शरीफ, कालाम, कोयटा के बाज़ मकामात पर झालाबारी भी हुई। के मारूफ अदाकार शबीर राणा तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। शबीर राणा आरजाए दिल में मुब्तला थे, चंद साल पहले बाईपास भी हुआ था। मारूफ अदाकार एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे, लातादा टीवी कमर्शियल की डायरेक्शन दी। और यमुना जैदी और वहाज अली का मायूं फोटोशूट, दोनों फनकार एक साथ नहायत खूबसूरत नजर आए। सोशल मीडिया सार्फीन ने तारीफों के पुल बांध दिए। दिस हेडलाइन न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय कनॉट पार्टी पैक, अब 20 रुपए की बचत के साथ। एंड कनॉट पार्टी पैक, अब 20 रुपए की बचत के साथ। मारे गए लेमन मैक्स लॉन्ग बर्न, चले पूरे महीने जम।